यहाँ पर प्रोटेस्टिव है और जो परसों जो किलिंग हुई है कुंतवाड़ा के अंदर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पहाड़ी एरिया में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ में परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं उनके परिवार को यह सदमा सहने की हिम्मत दे। किसी ने आज पीडीसी सेल ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था और उनका जो शहीद हुए उनके परिवार को जो भी सहायता गवर्नमेंट से मिलेगी वो मिलने के लिए हमने बात की है और उनको एक कांस्टेबल के तौर पर उनको मौका मिले, क्योंकि उनके वो जो शहीद हुए हैं कांस्टेबल से कम नहीं है, जो बॉर्डर पर हमारे सिपाही लड़ते हैं उनसे कम नहीं है, 25 साल से वो काम कर रहे हैं और उनके घर के सदस्य को नौकरी मिले वो भी सरकार देगी। उनकी जान तो हम वापस नहीं दे सकते हैं मगर उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी हमदर्दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जम्मू कश्मीर है, गृह मंत्री इसको देख रहे हैं कानून व्यवस्था को, क्या भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ता गृह मंत्रालय के खिलाफ आ रहे हैं आज प्रदर्शन के? देखिए ऐसी बात नहीं, देश के गृह मंत्री ने आपने इन 10 सालों में देखा क्या वातावरण जम्मू कश्मीर के अंदर था और आज कहां पर है, मुझे बोलने किसी और बीडीसी के लिए भी जिस बीडीसी को 1994 में बनाया गया था बीडीसी थी, 2023 के अंदर देश के गृह मंत्री ने उसको बीडीसी बनाया, बीडीसी का मतलब हुआ 4000 वेतन भी दिए और ऑटोमेटिक वेपन भी दिए हैं, मगर वो अभी भी कहीं 2 दिए कहीं 3 दिए। जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, मेरी रात को भी बात हुई है डीजीपी साहब से भी कि इनको जितने वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं उनको सबको ऑटोमेटिक वेपन मिले, एक बहादुरी की तरह वो काम करने के लिए तैयार है, उनका मनोबल गिरा नहीं है कि देश के सिपाही है, देश से प्यार करते हैं। देखिये एक बात जरूर है, होम डिपार्टमेंट है, मगर जिस तरीके का इतना प्रोपेगंडा शुरू किया यहाँ पर उस तरीके से उनको लग रहा है शेयर लग उनका उनको उनको लग रहा है इस गवर्नमेंट के पास सारा कुछ है। लेकिन जिस आप इस प्रकार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपको होम मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? हमने जो प्रोटेस्ट जो किया मैंने आपको बोला उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और परमात्मा से प्रार्थना कर। सवाल तो गृह मंत्रालय पर है सर, आप जुटला नहीं सकते हैं ना, कानून व्यवस्था उनके पास। देखिए आप ये भी जुटला नहीं सकते, जहाँ दर्जनों की किलिंग होती थी आज वो किलिंग देखो अभी छोड़ूंगा कोई पता नहीं कहाँ पर। आप आंकड़े गिना रहे, एक तरफ से आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप आंकड़े गिना रहे हैं, आप उन परिवारों की बात नहीं कर रहे ना, आप कह रहे कि किलिंग इतनी होती है उतनी होती है, जिसके परिवार से एक शख्स जाता है वो तो जाता है ना, वो वापस तो नहीं आ सकता, आपके लिए तो मैं आंकड़े। देखो मेरी बहन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी वही देखो जिसके हाथ में बंदूक है ना उसको उसी वक्त पता है गोली कहाँ से चलेगी किधर से चलेगी उधर से चलेगी, उसको शहीद होना होता है। सवाल यह है देश की सरकार इतनी कमजोर सरकार नहीं है, मगर यहाँ पर गलत लोगों के हाथ में आज जो सरकार आई है आप हालात देख रहे हो, जिन लोगों को यहाँ गवर्नमेंट की बात आप जिस सरकार की बात है कौन से गलत किसके खिलाफ गलत लोग हैं जिनके हाथ में सरकार है? देखिए आप अपनी स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपने कहा गलत लोगों के हाथ में, केंद्र की सरकार की बात हो रही है। आम आदमी ये सोचा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल पर्पस की सरकार बनी है, उनको कहीं ना कहीं ये उपलब्ध उनको सपोर्ट मिल गई और ये गलत तरीके से जो बातें कर रहे हैं, जो 370 रुपये की बात कर रहे हैं, 370 क्यों खत्म किया था हमने, यहाँ कतले आम हो रहा था, आजादी के नारे लग रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी,
तब जाके गृह मंत्री ने देखा क्या बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। वही डॉक्टर फारूक उमर का ये कहना है कि जब से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से एजेंसी चाह रही है कि इस तरह की कोई जो है लगातार हमले जो है कराए जाए ताकि एनसी सरकार को फंड किया जाए। मेरी बहन एक बात में आपको, कितने लोग शहीद हुए आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने कहीं श्रद्धांजलि दी आपने देखी कहीं? आज देखी कलानी क्यों असेंबली के अंदर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बात कही, ठीक है उसको दो, मगर क्या ये लोग जो शहीद हुए इनको नहीं देने चाहिए? इससे क्या लग रहा है? ये सवाल तो भाजपा से पूछे ना, आपके नेतृत्व करने वाले तो यहाँ से गए तो उनको आवाज उठानी चाहिए थी, ये आपके मन में था वहाँ पर बात। देखिए देखिए हमारे लोग उसी बात को उठाने के लिए गए थे, मगर आगे से 370 रुपए पेंटी है नीचे कोई बात नहीं की उन्होंने। स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी 370 का, कहीं उसे रेजोल्यूशन में जिक्र नहीं किया गया है। मेरी कुछ क्वेश्चन किया क्या 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 मुझे बोलो, मुझे आज मैं अपने अपने प्रेस मीडिया के भाइयों और बहनों से बात पूछना चाहता हूँ, क्या 10 सालों में आप में अच्छा वातावरण नहीं लगा? कौन सी स्पेशल चीज बताएंगे सर, आप खुद बताइए आपके खुश है। अब यहाँ पर दो तरह की धाराएं चलती जम्मू कश्मीर के, एक धारा देशभक्त की है, एक देशद्रोही की है। कश्मीर में जो वोटिंग हुई है या कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से एनसी को वोट दिया है, आप पूरे कश्मीरी कौम को जो है देशद्रोही कह रहे हैं, वो सिस्टम से हमने नहीं बोला, मैंने ये बात आपने कहा ना, दो धाराएं चल रही है वो देशद्रोही। दो धाराएं मैं इसलिए बोला क्योंकि उन लोगों के जो लीडर है गलत तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी भी देशभक्ति का उनको इन 10 सालों में स्कूलों में। लेकिन सर बिहार में स्पेशल मांग रहा है ना, आप इसको प्लान देखिए 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 बिहार की अलग बात है, बिहार के अंदर आजादी का नारा नहीं लगाते, वो पत्थरबाजी नहीं करते, वो पाकिस्तान के नारे नहीं लगाते, हिंदुस्तान की जय करते हैं। ठीक है सर,